वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पार्वती काली सिंध चंबल PKC अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त पहल में हिस्सा लिया। बता दें कि नदियों के जल को दोनों राज्यों के CM ने कलश में भरा और करीब 2 दशक बाद पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना का कार्यान्वयन होने जा रहा है। इस पर करीब 72,000 करोड़ की लागत आएगी। वहीं MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परियोजना को लेकर कहा कि सहमति नहीं बन पाने की वजह से योजना में देरी हुई। MP और राजस्थान के प्रमुख सचिव और केंद्र सरकार ने मिलकर समझौता कर MOU किया है। वहीं बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच पार्वती काली सिंध चंबल के समझौते के प्रारूप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्त रूप दिया है। इससे राज्य का किसान वर्ग भी समृद्ध होगा। दोनों राज्य और केंद्र मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत लंबे समय से राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये जो योजना थी उस योजना को आगे बढ़ाते हुए दोनों राज्यों के मध्य में जो इसका एक समझौता का प्रारूप बना है उस प्रारूप के आधार पर केंद्र सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको मूर्त रूप देने का काम किया है। और ये हमारी जो एक साझा नीति है जो हमारे दोनों प्रदेशों को बढ़ाने की है वो आगे बढ़ रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अलग प्रकार से लिखा जाएगा। ये नवाचार भी है और हमारे अपने देश की संघी भावना का प्रकटीकरण का बहुत बड़ा उदाहरण भी है। दो राज्य लगभग 20 साल से ज्यादा समय से छोटे छोटे इशू को लेकर के बिना बात के कुछ न कुछ कारण से अपने अपने राज्यों के हित होते हैं मानते हैं, लेकिन राज्यों के हित में हमको और एक निगाह रखना पड़ेगी, वो है देश हित। देश हित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता है। इस अहंकार की भावना से ऊपर आकर के मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लिए अभिनंदन करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश की इस धरा पर राजा भोज और विक्रमादित्य की इस धरा पर एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान का अभिनंदन है, वंदन है। ये मूल कार्यक्रम हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी भावना के अनुरूप ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। और उनकी उदात्त भावना इस बात के लिए ही है कि लगातार राज्य आपस में अपने मसलों को भी सुलझाए और मसलों में खास करके जो जल का बंटवारा होता है बड़े पैमाने पर नदियों से बहने वाला जल लोगों की जिंदगी में काम आए, उससे बदलाव आए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है बड़े पैमाने पर इसकी आवश्यकता तो है कि राजस्थान के अंदर यहाँ से बहके जाने वाली तीनों नदियाँ चंबल काली सिंध पार्वती, इन तीनों की जलधाराओं का दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए कैसे उपयोग हो सके। आज हम इस बात के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा मन करके चले कि छोटे मोटे इशू अगर हैं उन इशू को समाधान कर लें। और न केवल पानी जब बैठे बात करने निकले तो चंबल ये PKC योजना जिसको पार्वती काली सिंध चंबल योजना कहते हैं ये तो होने की बात हुई सही, और भी बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों में एक तरह से माना जाता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश तो भाई भाई है, दोनों में कभी कोई अंतर है ही नहीं। इतनी आत्मीयता है और ऐसा कल्चर है एक दूसरे से मिला जुला है।